नमस्कार, वेलकम प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं सुरेंद्र खिलेरी और आज हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का प्रैक्टिकल देखेंगे। इसके सर्किट को कैसे जोड़ना है वो मैं आपको इमेज के द्वारा समझाऊंगा। इसके अलावा हम इसकी रीडिंग अपनी फाइल में देखेंगे। रीडिंग सही होने की मेरी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो मैं मेथड शेयर करूँगा वो सही है। इसमें आज हम देखेंगे इसका, ये देखेंगे अपना इन्वर्टिंग मोड और नॉन इन्वर्टिंग मोड, ओके। और उसके अलावा इसमें जैसे योजक है या वैकलन है इत्यादि। अब हम इसकी शुरुआत करें। देखिए, ये अपना ऑपरेशनल एम्पलीफायर का 741102 टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। इसमें अभी जो हमने बात किया था, इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये यहाँ से जो ऊपर का टर्मिनल है ये इन्वर्टिंग है, जो बीच का टर्मिनल है ये नॉन इन्वर्टिंग है, यानी जिसको हमने प्लस देखा था ये माइनस वाला टर्मिनल। ये बचा हुआ इसको हम काम में नहीं लेते, ये बचा हुआ इसको हम काम में नहीं लेते हैं। ये है इसका आउटपुट टर्मिनल। आउटपुट से हम क्या करेंगे, एक तार यहाँ लेंगे और यहाँ जोड़ देंगे। तो अब आउटपुट से हम बहुत सारे कनेक्शन कर सकते हैं, 1 2 3 4। इसके विपरीत यदि यहाँ हम जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ भी हम सीधा कनेक्शन कर सकते हैं, वो हमारी चॉइस है। अब पहला स्टेप हम क्या फॉलो करते हैं, देखिए कि हम वोल्टेज सोर्स और इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल के मध्य एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे R1। किसके मध्य जोड़ना है, ये इसका वोल्टेज सोर्स, ये मैं वायर लाया और यहाँ जोड़ दिया, ओके। यहाँ से लिया और यहाँ जोड़ दिया, तो ये एक कनेक्शन पूरा हुआ। यहाँ से लिया, यहाँ जोड़ा, यहाँ से लिया और यहाँ जोड़ दिया, तो एक कनेक्शन पूरा हुआ। अब मुझे क्या करना है, सेकंड कनेक्शन पूरा करना है। ये इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल से लेना है, रेजिस्टेंस में जोड़ना है, रेजिस्टेंस से इसके आउटपुट में जोड़ देना है। ये इन्वर्टिंग टर्मिनल से लिया, रेजिस्टेंस में ले गया, ये रेजिस्टेंस काम में ले रहा हूँ अभी मैं 10 किलो। यहाँ से लिया और इसके आउटपुट में जोड़ देना है, तो ये अपना पूरा हो गया। और जो ये बचा हुआ इसको हम क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे, ये भूलेंगे नहीं। अभी जैसे मैं वायर ये कनेक्शन कर रहा हूँ वैसे वैसे आप वहाँ पर कनेक्शन कर दीजिए, इस वीडियो को देखकर आपका काम बन जाएगा। अब बात आती है रीडिंग लेने की, तो रीडिंग हम कैसे लेंगे, पहले यहाँ से चेक करेंगे इनपुट में हमने कितना दिया है। यहाँ से एक वायर लिया, चेक कर लिया कि जैसे इनपुट में मैंने 1 वोल्ट दिया है, ओके। उसके बाद मुझे यहाँ से आउटपुट में चेक करना है, यहाँ से कनेक्शन करके मुझे आउटपुट में कितना मिला है उसको मैं यहाँ पर अपनी सारणी में लिखता चलूँगा। जैसे मैं आपको सारणी बता दूँ, ये रही अपनी सारणी। यहाँ पर हमने 1 किलो ओम लिया था, 1 किलो ओम लिया था, तो इसका वोल्टेज गेन कितना आया, -1 आया, ओके। तो वी आउटपुट कितना होगा, जो इनपुट दिया है उसके -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका जो वोल्टेज गेन होता है वो क्या होता है, RF upon RI। जैसे ये भी 10 किलो ओम लिया है और ये भी 10 किलो ओम लिया है, तो ये कितना हो गया, -1, ओके। अब इनपुट में जो दिया वो निर्गत में देख लिया, सैद्धांतिक कितना होना चाहिए, त्रुटि कितनी है, ओके। तो ये इस प्रकार से अपना प्रतिलोम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक प्रैक्टिकल पूरा हुआ।
इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और देखेंगे।